समझा रामा? समझ रहा हूँ बंधु, भली प्रकार समझ रहा हूँ। महाराज अब भी दोनों रानियों के बीच चक्की के दो पाटों के बीच फंसे गेहूं जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। किससे बातें कर रहे हैं वहां खड़े खड़े पंडित रामकृष्ण? आप ही से पूछ रहा था महाराज, महाराज ने सेवक को स्मरण किया। आप इस सिंदूर पट को, अब ये आपका दायित्व होगा, क्योंकि सिंदूर पट एक है और रानियां दो। हम दुविधा में और हम चाहते हैं कि आप हमें इस दुविधा से बाहर निकालें। और याद रहे, दोनों में से कोई भी रानी ना तो रुष्ट होनी चाहिए और ना ही क्रोधित, क्योंकि यदि कोई भी रुष्ट हुआ तो हम रुष्ट हो जाएंगे आपसे, और यदि वो क्रोधित हुई तो हम क्रोधित हो जाएंगे पंडित रामकृष्ण आपसे। तो मैं आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि यदि हम क्रोधित हो गए तो क्या हो सकता है। आप व्यर्थ शंका कर रहे हैं अपने विदूषक पर महाराज। हमने कहा ना, हमें पूरा विश्वास है कि हमारा ये विदूषक आपकी समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेगा। निकाले तो ही अच्छा है आचार्य, अन्यथा पता नहीं हम क्या कर बैठेंगे। हम अपने निजी जीवन में शांति चाहते हैं, तो कोई द्वेष कलेश ना हो, इसका पूरा उत्तरदायित्व रामकृष्ण हम आपके कंधों पर डालते हैं, केवल आपके कंधों पर। परंतु महाराज, मैं हमें जो कहना था हम कह चुके हैं पंडित रामकृष्ण। अब हम तब मिलेंगे, तब बात करेंगे, जब आप हमारी समस्या का समाधान हमारे समक्ष लेकर आएंगे। महाराज ने सिंदूर पट का दायित्व पंडित रामकृष्ण को सौंपा है, अब वो तय करेंगे कि सिंदूर पट किसे मिलना चाहिए और किसे नहीं। जी हाँ, है तो कुछ ऐसा ही। किंतु रामा, रामा ही क्यों? अब ये तो महाराज ही जानते हैं पुत्री तिरुमलंबा कि रामा ही क्यों, परंतु ये सत्य है कि अब सब कुछ रामा के हाथ में है। वो जिसे चाहे सिंदूर पट दे सकता है। वैसे हमारे विचार में यदि सिंदूर पट पर सचमुच किसी का अधिकार है तो आप ही हैं। हम? निसंदेह पुत्र चिन्ना देवी, आप इस कुल की बड़ी बहू हैं। ये सिंदूर पट तो क्या, यहाँ की तो हवा तक पर सर्वप्रथम आप ही का अधिकार है और होना भी चाहिए। धन्यवाद गुरुवर, आपने ये कहकर सचमुच हमारा मान बढ़ाया है। हमने जो कहा केवल वही कहा जो सत्य है। हाँ, आप छोटी रानी हैं तो क्या हुआ, है तो इस राजकुल की वधू ना। इस राज्य की किसी भी वस्तु पर जितना अधिकार बड़ी रानी को है उतना ही अधिकार आपको भी है। निस्संदेह सिंदूर पट केवल आपको और आपको ही मिलना चाहिए, पर वो पर क्या आचार्य, वो पंडित रामकृष्ण, वो इस विषय पर क्या सोचता है कौन जाने। हो सकता है उसने मन ही मन ये निर्णय ले लिया हो कि सिंदूर पट बड़ी रानी महारानी चिन्ना देवी को मिलना चाहिए। क्यों पंडित रामा ऐसा क्यों सोचेंगे कि सिंदूर पट तिरुमलंबा को ही मिलना चाहिए? चालाक है ना विदूषक, अति चतुर, कब क्या रणनीति बना बैठे, क्या कर बैठे किसे पता। सत्य कहा है किसी विद्वान ने, एक समय आएगा जब हंस दाना चुगेंगे और कौवे मोती खाएंगे। आ गया वो समय, अब मोती किसे मिलना चाहिए और दाना कौन चुगेगा, इसका निर्णय तो वो विदूषक पंडित रामकृष्ण को लेना है। पंडित रामकृष्ण? रामकृष्ण?
से अधिक नक्काशीकारों की बेजोड़ कला का अनूठा संगम, हजारों आभूषण विशेषज्ञों के महीनों के अथाह परिश्रम के अद्भुत अकल्पनीय अमूल्य अतुल्य कलाकृति है ये सिंदूरपट। सिंदूरपट एक, अधिकारी दो दो, दो दो। बार बार दो दो क्यों? अरे हल मांग रहा हूँ अम्मा शारदा, कोई तो युक्ति सुझाओ इस समस्या से बाहर निकलने की। एक सिंदूरपट दो दो रानियों को कैसे दूं? हम तो कहते हैं कि उठा लो, पता है, परंतु साथ में क्या और कैसे ये भी जोड़ कर बताओ। सिंदूरपट उठा लो और उठा के हमें दे दो। तुम्हें दे दो तो रानी को क्या दूं? हम ये सिंदूरपट पसंद है, हम कुछ नहीं जानते बस। ये युक्ति सुझाइए। अरे मैं यहाँ एक समस्या सुलझाने आया हूँ या दूसरी समस्या का पर्वत अपने सर पर उठाने? क्या पीठ थपथपा मेरी लामा, शाबाशी दे, क्या उपाय निकाला है मैंने तेरी इस समस्या का? क्या उपाय निकाला? क्या, क्या क्या उपाय निकाला है तूने? ध्यान से सुन, तू ये सिंदूर पद नहीं बात तकता, लेकिन समय तो बात तकते ना दोनों नानियों के बीच। बली वालानी सुबह पहन लेगी और रात को छोटी माला नहीं पहन लेगी, स्नान करते वक्त छोटी माला नहीं पहन लेगी और श्रृंगार लगाते हुए बली माला नहीं पहन लेगी और फिर कबूतर को दाना करते हुए छोटी माला नहीं पहन लेगी। क्यों? क्या हुआ? क्या ढूंढ रहा है? छड़ी ढूंढ रहा हूँ। छड़ी? क्यों छड़ी तो ढूंढ? अरे ऐसी बुद्धिहीन उपाय देगा तो क्या आंटी उतारूंगा तेरी? पसंद नहीं आया तो प्यार से मना कर लेना, हिंसा से काम क्यों लेते? हिंसा बुरी बात होती है और वो भी बच्चों पर तो बहुत ही बुरी होती है। ओह आप भी कहेंगी, कहिए बताओ क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि अफवाह फैला दे कि इस सिंदूर पट में चुड़ैल चुड़ैल घुस गई है, जो भी इस सिंदूर पट को पहनेगा वो चुड़ैल उसे चिपट जाएगी। फिर देखना दोनों रानियां सिंदूर पट के नाम से कैसे भाग जाती हैं। ये अंतिम वाला क्या था? पूछ रही है कैसी रही? बहुत ही, मुझे पता था इन्हें तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा लगेगा। बकवास रही क्या अम्मा तुम भी? रानिया के इतनी पागल है कि मेरे ऐसे बचकावे छलावे में आ जाएंगी। खुद ही कहती है कि कारागृह जाने वाली हरकत मत करना और खुद ही कारागृह पहुंचाने वाली युक्ति सुझा रही है मुझे। विदूषक महोदय। क्या है? क्या है? आपको सूचित किया जाता है कि स्वयं महारानी चिन्ना देवी आपके निवास स्थान पर पधार रही है। महारानी चिन्ना देवी यहाँ आ रही है। अरे बम्बे, महारानी चिन्ना देवी के चरणों में मेरा सादर अभिनंदन। महारानी जी, विदूषक रामा अपने इस छोटे से निवास में आपका हार्दिक स्वागत करता है, परंतु आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाया? आदेश दिया होता तो मैं मिलना आपसे नहीं आपके परिवार से था पंडित रामाकृष्णा, तो आना तो हमें ही था। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो हमला नहीं कर रही है, वो कुछ कहना चाहती है, परंतु क्या है कि उन्होंने आजीवन मौन व्रत धारण किया है ना, इसलिए ऐसे सांकेतिक भाषा में बात करती है। हटा लीजिए। अरे तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, बताओ तो सही क्या कह रही है अम्मा? कह रही है धन्य हो निवास हमारा जो आप जैसी महान स्त्री के शुभ चरण यहाँ आए हैं, स्वागत कर रही है आपका। ये मेरी धर्म पत्नी शारदा। तो आप है शारदा? वही ना जो इनकी राधा बनी थी कृष्ण रासलीला में। हाँ, हाँ, हाँ। कितना अद्भुत रूप पाया है आपने, कितनी सुंदर कितनी मोहक है आप। उठा लीजिए। क्या उठा ले? नहीं, नहीं, अब हमसे शपथ उठा लीजिए कि हमने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आपसे इस तरह यहाँ मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अरे सौभाग्यशाली तो ये रामाकृष्णा है जिन्हें आप जैसी सुंदर और सुशील पत्नी मिली है। अच्छा ये सब छोड़िए, ये कुछ उपहार लाए थे हम आपके लिए। इसकी तो बहुत आवश्यकता थी। मतलब इसकी क्या आवश्यकता थी? पहली बार आपके निवास पे आए हैं, खाली हाथ कैसे आ सकते थे? ये लीजिए, ये हार आपकी सुंदरता पे और भी सुंदर लगेगा। धन्यवाद। और ये आपके लिए, आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगी। नहीं नहीं धन्यवाद कह रही हैं। ओह कितने भाग्यशाली हैं आप रामाकृष्णा, कितना प्यारा परिवार है आपका।
इतनी सुंदर सुशील धर्मपत्नी है आपकी, ऐसी महान माँ और ऐसा ऐसा गुंडप्पा और मेरा मित्र है, ऐसा छोटा सा प्यारा सा मित्र है, सब कुछ कितना सुखद और सुहावना है आपके परिवार में। ईश्वर आपको ऐसे ही प्रसन्न और प्रफुल्लित रखे। माँ जी, आपको कभी भी किसी भी चीज की कोई भी आवश्यकता हो तो आप हमें स्मरण कीजिएगा। आपका परिवार हमारा परिवार, आपके सुख दुख हमारे सुख दुख, महारानी चिन्ना देवी सदैव आपके साथ है। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। महारानी जी, आप पहली बार हमारे निवास पर आए हैं, कुछ जलपान तो? फिर कभी, अभी हमें महल लौटना है। आएंगे, अवश्य आएंगे आपके हाथों का जलपान ग्रहण करने के लिए। अभी चलते हैं। और रामा जी, महारानी जरा, आप तो जानते हैं कि आपको जब मृत्यु दंड मिलने वाला था तब हमने महाराज से कहा था कि आपको एक और अवसर दिया जाए ताकि आप अपनी निर्दोषिता प्रमाणित कर सके, और महाराज ने दिया भी। आप तो जानते हैं कि महाराज हमारी कोई बात नहीं टालते। जी जानता हूँ महारानी जी, इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझ पर भरोसा करने के लिए भी बहुत धन्यवाद। वो तो हमें आप पे है ही रामकृष्णा, हमें पूरा विश्वास है कि वो सिंदूर पट आप हमें देंगे ये निर्णय आपने ले ही लिया होगा। आप इतने समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, व्यवहारिक हैं, आपका निर्णय गलत कैसे हो सकता है? हाँ जी 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 महारानी जी, मैं समझ रहा हूँ। खुश रहिए, हम चलते हैं। विदूषक महोदय, रामकृष्णा को सादर प्रणाम। छोटी रानी तिरुम्बलम्बा ने अभी इसी समय आपको महल आने के लिए आदेश दिया है। आपको हमारे साथ अभी इसी समय महल चलना होगा महोदय। जी वो छोटी महारानी जी ने बुलाया था। अकाल मृत्यु में विश्वास करते हैं? जी अकाल मृत्यु जो कभी भी कहीं भी आ सकती है। हाँ करता हूँ। जाइए, आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अकाल मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है? वैसे तो छोटी महारानी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, परंतु इस परिस्थिति में एक ही बात है। महारानी बहुत अब सिंदूर पटकी नहीं रामकृष्णा, बात बनाइए हमारे स्वाभिमान पर। और
स्वाभिमान के सामने प्राणों का अपमान हो। अगर सिंदूर पट हमें नहीं मिला ना रामकृष्ण, तो हम स्वयं अपने हाथों से अपने प्राण छोड़ लेंगे। और जानते इसका उत्तरदायी तो किसका होगा? किसका? आपका पंडित रामकृष्ण। और किसका? आखिर सिंदूर पट उसे देना है किसे नहीं, ये उत्तरदायी तो भी तो आप ही को दिया गया है ना। तो अपने निर्णय के परिणाम के उत्तरदायी भी तो आप ही हुए। अर्थात इसका अर्थ हम ये समझे, सिंदूर पट हमारा हुआ। क्या हुआ? हुआ किसे सिंदूर पट आपका हुआ? आपका भविष्य बहुत उज्जवल है पंडित रामकृष्ण। तो यदि महारानी आज्ञा दे तो क्या मैं जा सकता हूँ? जा सकते हैं। धन्यवाद महारानी। प्रणाम प्रणाम। क्या सोच रहा है रामा? अरे तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या सोच रहा है? इस आपदा से निकलने का उपाय सोच रहा हूँ, है कोई उपाय तेरे पास? अरे तुझे नहीं सूझ रहा तो मुझे कहाँ से सूझेगा? शांत रह क्षण भर के लिए और सोचने दे मुझे। हम कैसे लग रहे हैं? अति सुंदर। हमें आपसे कुछ कहना था। बचपन से लेकर आज तक इस क्षण तक हमने कभी आपसे कुछ मांगा है? नहीं। कभी दूसरी पत्नियों की तरह जिद की है कि ये लाकर दो वो लाकर दो? नहीं। कभी कोई हट की है, कोई दबाव डाला है किसी चीज के लिए? नहीं। तो इसका ये अर्थ तो नहीं कि हम आपसे कुछ मांगने का हक नहीं रखते? रखती हो ना, पूरा अधिकार रखती हो। अरे तुम धर्म पत्नी हो मेरी, तुम्हें तो कुछ भी मांगने का अधिकार है शारदा। जो चाहे मांग, ये सिंदूर पर हमें दे दो। हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? ये सिंदूर पट है, अमरूद नहीं है कि तुमने मांगा और मैंने पेड़ से तोड़कर लाकर तुम्हें दे दिया। उपहार में मिला हुआ सिंदूर पट है, वो भी उन महारानियों के लिए जो इसके लिए तुम्हारे सुहाग को तलवार की नोक पर रख रही हैं। सिंदूर पट चाहिए इन्हें। ये नहीं तो ऐसा ही दूसरा बनवा कर दे। मेरे चतुर पंडित, मैं तो कहती हूँ दोनों रानियों को ऐसा ही सिंदूर पट बनवा कर दे दो, उन्हें क्या पता चलने वाला है। मैं एक स्त्री हूँ और एक स्त्री की मनोदशा तुमसे बेहतर समझती हूँ। दोनों रानियों को इस सिंदूर पट से प्रेम नहीं, अपने स्त्री अहंकार से प्रेम है। अहंकार केवल राज्य के सामने अपना राजसी प्रभुत्व प्रमाणित करने का, ये प्रमाणित करने का कि वही है वास्तविक महारानी, इस सिंदूर पट की इकलौती स्वामी। बस इतना ही तो है रामा, इससे अधिक और कुछ नहीं। दोनों को ये सिंदूर पट नहीं, अपने स्त्री अहंकार की आत्मसंतुष्टि चाहिए, बस। मैं बच गया। क्या? मैं बच गया शारदा, मैं बच गया। मुझे इस विकट विकराल विपत्ति से बाहर निकलने का मार्ग मिल गया। तुमने अपने सुहाग को बचा लिया, तुमने अपने प्राण नाथ को बचा लिया शारदा। मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया। अरे मैं बच गया, मैं इस समस्या से बच गया। मैं बच गया, बच गया, बच गया। मत पूछ गुंडप्पे, कुछ मत पूछ, बस नाचता रहे, बस नाचता रहे, ओए नाचता रहे। अब बताइए मंत्रीवर, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? महाराज, रामकृष्ण आपसे मिलना चाहता है, परंतु एकांत में। एकांत में क्यों? ये बात मैं स्वयं आपको बताऊं तो अधिक उचित रहेगा महाराज। बताइए पंडित, क्यों एकांत में मिलना चाहते? आपकी समस्या का हल ले आया हूँ महाराज। सचमुच अर्थात दोनों में से कोई भी रानी रुष्ट नहीं होगी और
हम बच गए, हम बच गए महाराज, हम बच गए। तो बताइए क्या है समाधान? ये सिंदूर पट आप छोटी महारानी को दे सकते हैं। और बड़ी महारानी को भी तो सिंदूर पट देना है। अरे हाँ, बड़ी महारानी जी को भी तो सिंदूर पट देना है। तो ये सिंदूर पट आप बड़ी महारानी जी को दे सकते हैं। ये क्या अटखेली है रामकृष्ण? हाँ, समस्या तो वही है, महाराज एक सिंदूर पट अपनी दोनों महारानियों को कैसे दे सकते हैं? यदि महाराज ने यह सिंदूर पट बड़ी महारानी को दिया तो छोटी रानी को क्या देंगे? लगता है इन रानियों की समस्या सुलझाते सुलझाते आप अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मंत्रीवर, दो औरतों के बीच कोई भी अपना मानसिक संतुलन खो सकता है। हम समझ सकते हैं महाराज। आप नहीं समझ सकते हैं। वही महाराज, हम समझ सकते हैं कि हम नहीं समझ सकते। प्रश्न रामकृष्ण, हमारा प्रश्न अभी वही है, यदि महाराज ने यह सिंदूर पट बड़ी महारानी को दिया तो छोटी महारानी को क्या देंगे? हाँ, छोटी महारानी को आप ये सिंदूर पट दे सकते हैं महाराज।